हेलो एवरीवन, इन एसएसटी दिस इज़ लेसन 12, नेचुरल डिजास्टर्स। अ सडन नेचुरल इवेंट दैट कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक, फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, साइक्लोन, ड्राउट आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स मीन्स प्राकृतिक आपदाएं। ये इवेंट जो हैं नेचुरल होते हैं और सडन मीन्स अचानक आते हैं, जिससे कि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है, उसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, फ्लड मीन्स बाढ़ आना, वॉल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी के फटने, सुनामी, साइक्लोन और ड्राउट मीन्स सूखा पड़ना, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। द सडन वाइब्रेशंस और शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स आर कॉज ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस बीनीथ द अर्थ सरफेस। दे कैन कॉज ग्रेट हार्म बाय टॉपलिंग बिल्डिंग्स एंड हाउसेज एंड ब्रेकिंग ब्रिजेस एंड डैम्स। दे कैन कॉज ग्रेट लॉस टू प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइव्स। अर्थ के सरफेस पर अचानक वाइब्रेशंस मीन्स कंपन होना और शेकिंग मीन्स हिलना, उसे भूकंप कहा जाता है। अर्थ के सरफेस पर डिस्टर्बेंसेस मीन्स गड़बड़ी के कारण जो है भूकंप आते हैं। इसके कारण क्या है, बिल्डिंग्स और हाउसेस क्या है, ढह जाती हैं और बांध और डैम्स जो हैं टूट जाते हैं। इसके कारण जो है प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ का काफ़ी नुकसान होता है। एन अर्थक्वेक दैट अकर्स अंडर द सी और एन ओशियन कैन ट्रिगर जाइंट वेव्स। दीज वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। दे हैव ग्रेट पावर एंड एनर्जी एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन देयर पाथ। द 2004 सुनामी विच एरोज इन द इंडियन ओशियन एंड कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। भूकंप जो है सी और ओशियन के नीचे होता है, जिससे कि बहुत बड़ी वेव्स जो हैं सक्रिय हो जाती हैं। इन वेव्स को सुनामी कहा जाता है। सुनामी एक तूफान शब्द है जो कि जापान में बोला जाता है। इन सुनामी में काफ़ी पावर और एनर्जी होती है तथा ये अपने 2004 में एक ऐसी सुनामी इंडियन ओशन में आई थी, जिससे कि लाइफ और प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान हुआ था। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन एपी सेंटर। इट इज द सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। फ्रॉम द एपी सेंटर वाइब्रेशन ट्रेवल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। The point on the surface just above the epicenter is called focus. From the focus, these vibrations travel to different places on the earth, depending on the intensity of the earthquake. भूकंप के दौरान अर्थ के सरफेस के नीचे जिस पॉइंट पर डिस्टर्बेंस होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। यह भूकंप का केंद्र होता है। एपिसेंटर से वाइब्रेशन जो है अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती हैं। इस पॉइंट, यह पॉइंट जो है एपिसेंटर के जस्ट ऊपर होता है, जिसे कि फोकस कहते हैं। फोकस से भूकंप की तीव्रता के आधार पर अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस तक पहुंच जाता है। अ साइज्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स The intensity of an earthquake. The magnitude of an earthquake is measured on the Richter scale. A seismic zone is an area which has a high risk of earthquakes. In India, the Himalayan region is prone to earthquakes as it lies in the seismic zone. Seismograph एक ऐसा instrument है जिससे कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर
मापी जाती है। सिस्मिक जोन मीन्स भूकंपीय क्षेत्र, वो एरिया होते हैं जहाँ पे कि भूकंप का सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। भारत में हिमालयन रीजन जो हैं ये भूकंप से ग्रस्त हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये साइस्मिक जोन में आते हैं। मेजर्स फॉर सेफ्टी, द हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन द एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक्स शुड बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। भूकंप वाले एरियाज में घरों को इस तरह से बनाना चाहिए जो कि भूकंप को झेल सके, मीन्स भूकंप रोधी होने चाहिए। When an earthquake strikes, people should move out to open spaces. They should stay away from any kind of solid structures, lamp posts and electric transformers. जब भी भूकंप आए तो लोगों को खुले स्पेस पे जाना चाहिए, उन्हें किसी सॉलिड स्ट्रक्चर या लैम्प पोस्ट मीन्स स्ट्रीट लाइट या इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स के नीचे नहीं जाना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। इफ़ स्टक इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, वन शुड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और डेस्क। यदि भूकंप के दौरान कोई घर पर फंस जाता है तो उसे टेबल और डेस्क के नीचे शरण लेनी चाहिए। अपार्टमेंट शुड हैव एमरजेंसी एग्जिट्स, पीपल शुड मूव आउट थ्रू दीज एग्जिट्स एंड अवॉइड एलिवेटर्स। अपार्टमेंट में एमरजेंसी एग्जिट्स होनी चाहिए जिससे कि लोग बाहर आ सकें, और एलिवेटर मीन्स लिफ्ट को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लड। फ्लड इज एन ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर विच सबमर्ज्स द लैंड। इट अकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ वाटर बॉडी सच एज रिवर और लेक ओवरफ्लोज एट इट्स यूजुअल बाउंड्रीज। दिस हैपन्स व्हेन एन एरिया रिसीव्स एक्सेसिव रेनफॉल और व्हेन अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट्स इंक्रीजिंग द वाटर लेवल इन द वाटर बॉडीज। फ्लड्स कैन ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, स्ट्रॉन्ग टाइड्स, स्टॉर्म्स एट सी, साइक्लोन्स एंड सुनामीज। जब बाढ़ का पानी ओवरफ्लो होता है तो यह लैंड को भी डुबो देता है। यह तब होता है जब रिवर और तालाब का पानी अपनी बाउंड्री से ओवरफ्लो होके बहता है। ऐसी यह तब होता है जब किसी एरिया में अधिक बारिश होती है या फिर अधिक मात्रा में स्नो मेल्ट होती है, तब पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। बाढ़ आने का मुख्य कारण लैंडस्लाइड्स मींस भूस्खलन, स्ट्रॉन्ग टाइड्स मींस मजबूत ज्वार, स्टॉर्म्स एट सी मींस समुद्र से आने वाले तूफान, साइक्लोन्स मींस चक्रवात और सुनामी के कारण भी बाढ़ें आती हैं। When flood waters stagnate in an area, there may be an outbreak of disease. This may spread rapidly, taking shape of epidemics. जब एक एरिया में बाढ़ का पानी रुक जाता है तो वहाँ कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, और ये बीमारियाँ जो हैं महामारी का रूप ले सकती हैं। दैट्स ऑफ टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।